प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दो बड़े फैसले जो केंद्र सरकार ने लिए हैं, 21 जून से यानी विश्व योग दिवस के दिन से, अब से दो हफ्ते के बाद सभी देशवासियों को जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबको केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। इसके अलावा 80 करोड़ देशवासियों को नवम्बर तक, दीपावली तक तय मात्रा में अनाज भी उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की तरफ से। दो बड़े फैसले, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग देश के हिस्सों से। दिल्ली से हमारे साथ अमोद राय मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली के शाहदरा से ही हमारे साथ रजनीश रंजन मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ अश्विनी पांडे जुड़ गए हैं और जयपुर से जितेश जेठानंदानी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पटना से रूपेश हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन अमोद आप ही के पास आते हैं। लगातार हम देख रहे थे, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बड़े फैसलों के साथ आए थे, तो ज्यादा नहीं उन्होंने कहा, लेकिन जो बड़े फैसले हैं सरकार के, उसमें बड़ा फैसला है। उन्होंने ये बात भी कही कि कैसे जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से भी ये मांग सामने रखी जा रही थी, तो सभी मांगों को भी देखते हुए और जरूरत को समझते हुए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। कह सकते हैं कि इसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, उस फैसले पर पहुंची आखिरकार केंद्र सरकार। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, केंद्र सरकार पहले से ही यह तय करके बैठी थी कि सारा वैक्सीनेशन वो खुद ही देगी, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकारों ने अपनी डिमांड शुरू की और जिस तरह से प्रश्न उठाने खड़े किए कि 18 साल के लोगों को क्यों नहीं लगाया जा रहा है, बुजुर्गों को पहले क्यों लगाया जा रहा है, 45 साल के लोगों को उसके बाद क्यों दिया जा रहा है, तो तमाम तरह के जो लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा था और ये कहा गया कि सबका एक्सेस वैक्सीनेशन पे क्यों नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं डायरेक्ट इसमें एंट्री ले सकती है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो फैसला लिया था कि आप लोग खुद भी चाहे तो वैक्सीन खरीद कर लगाइए, और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई उसके बाद वही राज्य जो पहले कह रहे थे कि हमें वैक्सीन लेने की खुली छूट मिलनी चाहिए, वो अपने कंधे पर से जिम्मेवारी का बोझ इसको समझकर टालने लगे और कहने लगे कि उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है या तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा अब ये बात समझकर प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कि राज्यों को जो वैक्सीनेशन देना था उसको न देकर सीधे केंद्र 75% वैक्सीन खुद लेगी और पूरे राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा और वही वैक्सीन आम जनता को लगेगी। और जो पहले से वैक्सीन 25% हॉस्पिटल के लिए, अस्पतालों के लिए तय था, उनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एक समस्या खड़ी की गई थी उस समस्या से आज निजात किसी न किसी तरह से मिलता हुआ दिख रहा है कि अब केंद्र ही उम्मीद की जानी चाहिए कि अब तेजी से इसके बाद, क्योंकि एक ही नोडल एजेंसी होगी तो उसके बाद जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी और सबको आसानी से वैक्सीन मिल पाएगी। हमारे साथ जगह जगह से हमारे देश के कोने कोने से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं क्योंकि वहां पर आम लोग भी मौजूद हैं। रूपेश का सीधे रुख कर लेते हैं, रूपेश के साथ पटना में आम जनता मौजूद है। रूपेश, क्या राय है उनकी अब जबकि ये बड़ा फैसला लिया गया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 21 जून के बाद केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी देश के सभी देशवासियों को, इस पर क्या प्रतिक्रिया लोगों की? जी हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार के आम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन बिहार में पहले से ही मुफ्त वैक्सीन मिलना है और मिल भी रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में NDA ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, जब स्मृति ईरानी यहाँ आई थी, उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी कि बिहार के एक एक व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगेगा, लेकिन तब राशि राज्य सरकार वहन कर रही थी, अब केंद्र सरकार राशि वहन करेगी। आज से प्रधानमंत्री ने कह दिया 21 जून के बाद सबको, राज्य सरकारों को मुफ्त में टीका मुहैया केंद्र सरकार करेगी। क्या उम्मीद थी इसके अलावा प्रधानमंत्री से? इसके अलावा गरीब परिवारों को फाइनेंशियली सपोर्ट की भी उम्मीद थी, क्योंकि मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता, यह है ना, होली तक सबको मुफ्त में अनाज मिले। सिर्फ अनाज देने से ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। मेरे समझ से शिक्षा और स्वास्थ्य ही सिर्फ मुफ्त देना चाहिए, लोग शिक्षित होंगे, खुद अपना भोजन का जुगाड़ कर लेंगे। और वैक्सीन का जो केंद्र सरकार आज के द्वारा लागू, आज के संबोधन में मोदी जी के द्वारा किया, ये अच्छी पहल है, इसकी अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री जब चुनाव के दौरान यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि माता तुम छठ करो, अनाज की व्यवस्था तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है वो करेगा। आज फिर से प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिवाली तक हम अनाज की मुफ्त व्यवस्था सबके लिए करेंगे जो गरीब हैं। देखिए इनका सिर्फ बात जुमला रहता है, ये बोले थे कि टीका वैक्सीन लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बोले कि गंगा माँ को साफ करेंगे, देखे होंगे कि कई गंगा माँ में कई बिहारी लाशें और यूपी के लाशें बह रही थी, गंगा माँ कई लाशों से तले गंदे हो रहे थे। इनका सिर्फ बात जुमला है कि यहाँ काला बाजारी, महंगाई, दवाई, ये सब पर इनको सोचना चाहिए। यह ये बिहार छोड़िए पूरा भारत को डुबा चुके हैं जी। और भी लोगों को उम्मीद है कि और भी बड़े फैसले लिए जाएं, लेकिन ये जो बड़े फैसले, इस पर बात करने के लिए रुपेश वापस आपके पास आएंगे।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।